चंडीगढ़ हमारे देश का एक ऐसा शहर है जो प्लान तरीके से बनाया गया था आगे फ्यूचर में इस शहर को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए और नॉर्थ इंडिया में अपनी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन देने के लिए कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। तो चलिए उन पर नजर देते हैं। दोस्तों पहला है चंडीगढ़ इनर रिंग रोड। दोस्तों कोई भी शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर रश आवर के दौरान सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सारे लोग जो है इन्हीं इलाकों के जरिए गुजरने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इन इलाकों में से वो लोग भीड़ नहीं बढ़ाते जो वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो बस उसे क्रॉस करते हुए शहर के दूसरे कोने में जाते हैं। इसके कारण बेवजह एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। ये ना हो इसके लिए रिंग रोड प्लान किए जाते हैं ताकि शहर के मेन इलाकों से हटते हुए भी आप शहर के दूसरे कोनों में पहुंच पाओ। इसी तरीके के रिंग रोड जो है वो चंडीगढ़ में प्लान्ड है, जिसमें से पहला रोड जो है वो मूलापुर से लेकर नेशनल हाईवे 21 के बीच में बनाया जाएगा। इसका काम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसका काम खत्म होने के बाद में बहुत हद तक ये सिटी सेंटर की ट्रैफिक को राहत देगा। इसके अलावा एक आउटर रिंग रोड भी प्रपोज्ड है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए होगी, लेकिन इस पर अब तक पूरी तरीके से काम शुरू नहीं हुआ है। अगला दोस्तों प्रोजेक्ट है मोहाली आईटी हब। दोस्तों चंडीगढ़ मोहाली हमारे देश के नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी सेक्टर प्रोवाइडर्स है। दुनिया में चौथे नंबर का ये टॉप आउटसोर्सिंग सिटी रह चुकी है और यहाँ पर 45 से ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी फंक्शन करती है। यही चीज़ को फ्यूचर में और प्रमोट करने के लिए मोहाली में एक बहुत बड़ा आईटी हब प्लान किया गया है, जहाँ पर कंपनीज को अलग अलग तरीके के जरिए अट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों ना सिर्फ ऑफिसेज होंगे, लेकिन इसके अलावा एक प्रॉपर एजुकेशनल हब जहाँ पर एमिटी और प्लेक्सा यूनिवर्सिटी अपना कैंपसेस बनाएंगी। इसके अलावा एक स्टार्टअप हब जहाँ पर इंक्यूबेशन के लिए जो भी नई कंपनीज है उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की जाएगी। इसके कारण आगे जाकर कोई भी स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल होता है तो वो मोहाली के इस आईटी हब में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दे सकता है। इसका काम भी बहुत बड़े पैमाने पर जारी है और कई सारे नोटेबल कंपनीज ने यहाँ पर अपने प्लॉट्स खरीदे हैं और अपने कैंपसेस को सेटअप कर रहे हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये भी एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जिसके ऊपर का काम अभी जारी है, DPR वगैरह बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक तरीके से इसका प्लान सामने रखा गया है। दोस्तों 250 किलोमीटर लंबा ये जो हाईवे होगा इसे इलेक्ट्रिफाइड तरीके से बनाया जाएगा, ऐसा प्लान में मेंशन किया गया है। यानी इस रोड पर जिस तरीके से ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर ओवरहेड वायर्स होती है, ऐसे कुछ लेन्स के ऊपर जो है ओवरहेड वायर्स लगाई जाएंगी ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो इस तरह की पावर को भी यूज़ कर सकते हैं वो कंटिन्यूसली इस रोड के जरिए फंक्शन कर पाएंगे। ये अब तक पास नहीं हुआ है, लेकिन पास होने के बाद में ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सप्रेसवेज होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों ये हमारे NSRDC का वही प्रोजेक्ट है जो कई सारे रेलवे स्टेशन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के जैसे जो है हमारे कई सारे रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 131 करोड़ रुपीज़ का बजट रखा गया है और 2 साल का समय जो है वो दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन का काम भी बेसिक पैमाने पर जारी है और यहाँ पे रेल से यात्रा करने वाले लोगों को ये रेलवे स्टेशन बड़ी सुविधा देगा। इसके अलावा हाइपरलूप का भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चंडीगढ़ पर साइन किया गया है और इस पर जो है बहुत धीमे पैमाने पर काम जारी है। अभी तक फिजिबिलिटी स्टडी का काम किया जा रहा है और उम्मीद है आगे जाकर अगर ये पास होता है तो हमें चंडीगढ़ दिल्ली के बीच में भी एक हाइपरलूप नजर आएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में बन रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।